हेलो फ्रेंड, आज मैं क्लास 10 का विज्ञान से एबिलिटी क्वेश्चन बताने वाला हूँ। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? दोस्तों आप लोग को पता होगा, इसका आंसर होगा सी, पीतल। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश पर अपवर्तन के नियम के लिए सही है? तो इसका आंसर होगा दो। तीसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह क्या है दोस्तों? वह है रेटिना। आंसर होगा बी, रेटिना। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है? तो बी बटा नहीं साइन ए आई बटा आर। आंसर ऐसा होगा बी। दूसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 हो तो गोलीय दर्पण कैसा होगा? तो हमेशा क्या होगा दोस्तों? उत्तल होगा। उत्तल आंसर होगा ये, उत्तल। तालाब का जल कम गहराई देने का कारण क्या है? कारण है इसका आंसर होगा सी, अपवर्तन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? हमेशा ऋणात्मक होती है। आठवां क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्र त्रिज्या आर हो तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, आर बराबर 2f। अगले क्वेश्चन का चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा इसका आंसर डी होगा, नाइक्रोम होगा। दसवां क्वेश्चन है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होगा? इसका आंसर होगा डी, 3.6 × 10⁶ जूल होता है इसका आंसर। ग्यारहवां क्वेश्चन देखते हैं, किलोवाट घंटा इकाई होती है, किसका इकाई होती है? इस शक्ति की इकाई होती है, उसका आंसर होगा बी, शक्ति। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह क्या कर किस किस कार्य करता है? उसमें सिद्धांत पर, इसका आंसर होगा ये, उसमें। अगले क्वेश्चन है, वोल्ट को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्ट को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो ये समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, आंसर बी। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने का प्रयोग किया जाता है, कौन सा प्रयोग किया जाता है दोस्तों? इसका आंसर होगा बी, वोल्ट। इसका आंसर होगा वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, जल विद्युत संयंत्र के किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो इसका आंसर होगा नाभिकीय 15 डी, स्थित ऊर्जा डी होगा, इसका आंसर होगा डी। अगले क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? इसका आंसर होगा सी, निष्क्रिय गैस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक घोल के नीचे लिमिटेड पत्थर को लाल कर देता है, घोल का पीएच मान क्या हो सकता है? इसका पीएच मान क्या होगा? 2, इसका आंसर ये होगा, आंसर 2। बेंजीन का अनुसूत्र क्या है? बेंजीन का सूत्र सी होगा, C6H6। अगले क्वेश्चन है, एल्थिन एल्कोहल का IUPC का नाम क्या होगा? IUPAC के नाम होगा, इसका आंसर होगा दोस्तों बी, एथनॉल। बी होगा इसका आंसर, एथनॉल। अगला क्वेश्चन है, CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है? तो इसका आंसर होगा बी, एल्किन का। लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों? ये तो आप लोग जानते होंगे, इसका आंसर होगा बी, 26। स्टेनलेस स्टील में लोहे और कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं,
यन तत्व जो रहते हैं दोस्तों निकेल और क्रोमियम भी इसमें रहते हैं। इसका आंसर होगा सी निकेल और क्रोमियम। अगला क्वेश्चन है पीतल है, पीतल क्या है दोस्तों, पीतल है सी में इसका आंसर होगा सी मिश्र धातु है। पीतल क्या है, मिश्र धातु, इसका आंसर होगा सी होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में यौगिक में कौन सा अम्ल है, इसका आंसर होगा सी Na2O, इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है, कौन प्राकृतिक सूचक है, इसका आंसर होगा ये हल्दी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों OH नाभिक्रिया सूचक वाले यौगिक का नाम क्या है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बी एल्कोहल। कैल्शियम कार्बोहाइड जल के अभिक्रिया कर देता है, अभिक्रिया करके क्या देता है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताएं। चलो दोस्तों हम आप लोगों को बता देते हैं, इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर डी होगा दोस्तों इथेनॉल। अगला क्वेश्चन है ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितनी होती है, ओजोन के परमाणु संख्या ये होती है दोस्तों आंसर होगा इसका सी 3। एक पारे कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है, इसका आंसर होगा ए पारा। तो कमरे का अवस्था कौन द्रव में रहता है दोस्तों, पारा। सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों, इसका आंसर होगा ए दोस्तों मीथेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है, तो इसका आंसर होगा डी। मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।